अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में वर्षों से पदासीन लिपिक सुशील कुमार पर भाजपा नेता डीपी सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। बलरामपुर भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी, अध्यापकों व कर्मचारियों से अभद्रता पूर्ण व्यवहार तथा मदरसा प्रबंधकों से साठ गांठ करके मदरसा कर्मचारियों को भयभीत कर मानसिक उत्पीड़न करते हुए BRS लेने पर विवश करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल को ज्ञापन देकर लिपिक के असंवैधानिक कृत्यों की उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस ने प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिपिक सुशील कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुशील कुमार विगत कई वर्षों से एक ही विभाग के लिपिक पद पर कार्यरत हैं, जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता, रिश्वतखोरी, उत्पीड़न और षड्यंत्रकारी गतियों की शिकायतों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। लिपिक सुशील कुमार की अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, रिश्वतखोरी से संबंधित शिकायत की गई है, परंतु कार्यवाही शून्य होने के कारण लिपिक का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अंत में भाजपा नेता ने लिपिक सुशील कुमार के कृत्यों की उच्च स्तरीय जांच, BRS लेने वाले अध्यापकों कर्मचारियों के प्रकरण की भी स्वतंत्र जांच के साथ ही तत्काल लिपिक को जिला अल्पसंख्यक कार्यालय विभाग से स्थानांतरित कर सख्त कार्यवाही करने की मांग की प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल से की है। अब देखने वाली बात यह है कि अपनी ही सरकार में क्या अपने आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही कराने में भाजपा के मीडिया प्रभारी को सफलता मिलती है या सिर्फ प्रकरण ज्ञापन तक ही रहकर ठंडे बस्ती में चला जाता है। बलरामपुर जनपद में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अनियमितताएं, भ्रष्टाचार की जा रही हैं, ऐसी तमाम शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसको जिलाधिकारी महोदय को हमने अवगत कराया है कि इसकी जांच की जाए और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहां पर सुशील बाबू की शिकायतें बहुत हैं कि वो प्रबंधकों से मिलकर तमाम अनियमितताएं कर रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके लिए हमने कल प्रभारी मंत्री जनपद बलरामपुर को भी पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, और कोई भी हो भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी।